अच्छा लिसन, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? भाभी, आई मीन होने वाली हूँ भाभी। चलो बाय। पता है कुणाल, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। हैशटैग ड्रीम कम ट्रू। आई एम रियली सॉरी कू, मैं जानता हूँ यहाँ तक का रास्ता तुम्हारे लिए पहले से ही बहुत टफ रहा है। इट्स ओके, तुम्हें पता है कॉलेज के फाइनल ईयर में सिलेबस इतना टफ था, मुझे लगा कि मैं सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगी, पर पता है क्या हुआ? तीन सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आए। सो इट्स ओके, एक बार रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत वरिड, पता नहीं ये खुशी कितने दिन तक चलेगी। क्या रेडी? कॉल ऑन। नहीं, मुझे नहीं देखना। क्यों? अभी प्लीज मुझे जाने दो ना। लूसी, क्या हो गया? तुम तो पहले पेंटिंग देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि उसमें कौन है। और तुमने ही तो मुझसे कहा था कि जब मैं इस रिश्ते को समझ जाऊं तो सबसे पहले आके तुम्हें बताऊं। तो ये रिश्ता तुम्हें समझ आ गया है? हाँ। जानती हो कैसे? क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैं उसके लिए फील करता हूं, वो भी मेरे लिए वैसे ही फील करती है। तुम्हें क्या लगता? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? तुम्हें कैसे पता? तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? पर मैं श्योर हूं कि आज के बाद हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन तुम आज के दिन ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, शायद इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है। बट कोई और है जिसे वो मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। कौन? मेरा भाई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो रिश्ता है जिसके लिए माँ कभी हाँ नहीं कहेंगी। अब कौन सा रिश्ता? मेरे भाई और मिष्टी का रिश्ता। मिष्टी और अबीर? नो नो नो, तुम्हें कोई गलत फहमी। कोई गलत फहमी नहीं हुई। तुम्हें पता है श्वेता की पार्टी पे सब लोग क्या देखकर हंस रहे थे? इसे देखकर। शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा गुरु, बट मेरे भाई और तुम्हारी बहन के बीच में बहुत टाइम से कुछ चल रहा है। टेंशन मत ले, अभी जैसे ठीक होगा ना वो अपनी मॉम से बात कर लेगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। मतलब मेरी स्माइल नहीं रुक रही, बिकॉज़ मेरे पास एक रीजन है। लेकिन तू क्यों स्माइल कर रही? उसे ऐसी हालत में देख के मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर मेरी माँ को इस सब के बारे में पता चल गया ना, तो वो हमारा रिश्ता कभी नहीं होने देंगे। वो तुम चाहती हो कि मिष्टी की वजह से हम फिर से अलग हो जाए? आई कैन अंडरस्टैंड, वो तुम्हारी बहन है और तुम उससे प्यार करती हो, पर मेरे भाई के लिए वो सही नहीं है। मिष्टी, आर यू ओके? तो फिर पलट कर देख लो, खुद देखो और बताओ कि क्या मेरी फीलिंग सही है या गलत। मिष्टी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है जो सच में तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे सिर्फ उसका चेहरा दिखाई देता है। मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ उसी का नाम लेती है, मेरे कानों को सिर्फ उसी की आवाज सुनाई देती है। उसका नाम है। मत बताओ, मुझसे नहीं होगा। मिष्टी, Thank you.
इसीलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि माँ को इन सब चीजों के बारे में पता लगे। उससे पहले मैं भाई और मिष्टी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे खत्म कर दूं। कुणाल, I swear, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। I know, कुणाल। तुम्हारी माँ मिष्टी को पसंद नहीं करती, तुम मिष्टी से नफरत करते हो, फिर अमीर क्यों? अब मैं क्या कहूँ कुणाल? तुम्हें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो भी मेरी वजह से। मिष्टी की वजह से? उसे पूरी दुनिया में और कोई लड़का नहीं मिला क्या? तुम्हारा भाई ही क्यों, अमीर ही क्यों? देखो, मैं मिष्टी को अकेला भाई से अलग नहीं कर सकता। देखो, तुम किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। देखो, मिष्टी की वजह से हम पहले भी अलग हो चुके हैं। तुम चाहती हो ऐसा फिर से हो? नहीं ना, प्लीज, आई नीड योर हेल्प। कू तुम मेरा साथ दोगी ना? जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे सिर्फ उसका चेहरा दिखाई देता है। मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ उसी का नाम लेती है। मेरे कानों को सिर्फ उसी की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। प्यार हमें कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है पकाना। I love Abir. मिष्टी बेटा, आज का दिन तो कुणाल और कुहू का दिन है। हम सब मिलकर इनके लिए खुशियां मना रहे हैं। इस गधेड़ा अबीर को तो होलसेल में थैंक यू मिल रहा है, पर हम ये नहीं भूल सकते कि आज हमारे घर ये खुशियां आई है तो सिर्फ तेरी वजह से। ऐसी बात नहीं है यशपाल जी, जिनके भाग्य में मिलना लिखा हो वो तो मिल ही जाते हैं। पर उन्हें मिलाने के लिए किस्मत को भी
किसी का तो सहारा लेना पड़ता है ना राजी जी, और वो सहारा है मिष्टी। नानू मैं क्या किसी का सहारा बनूंगी, मैं तो आज जो हूँ जैसी हूँ बस अपनी फैमिली की वजह से हूँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ। कुहू और कुणाल एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है, एंड आई जस्ट विश कि उनकी लाइफ में अब से सिर्फ खुशियाँ ही हैं। मैं भी ये विश करता हूँ कि तेरी लाइफ में जल्दी से ऐसी ही खुशियाँ आ जाए। नॉट फेयर नानू, सब लोग मिस्टी के लिए दुआएं मांग रहे हैं, मेरे बारे में कोई सोच भी नहीं रहा। बताओ क्या दुआ करनी है तुम्हारे लिए? ना 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 ऐसी लड़की चाहिए। ना 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 कैटरीना जैसी? नहीं नहीं, भाई के लिए तो कोई लेदर जैकेट वाली बाइकर चिक आएगी। नहीं केतकी, ऐसी वाली नहीं, वो क्या कहते हैं वो कैंपिंग वाली है ना अबीर? और नहीं तो क्या, और उसके कांधों पे एक बस्ता हो, और एक हाथ में कविता की किताब और दूसरे हाथ में वो केटो बेटा वो क्या कहते हैं जो हाथ में रख के जंगल में रास्ता ढूंढते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंपास ब्रो। ये पहले ही समझ गए हैं। ये भगवान, ये काम तो बहुत मुश्किल है। तो आपने कह दिया तो आप ही को करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये काम थोड़ा आपके लिए आसान कर सकता हूँ। कैसे? मैं तो ऐसी किसी भी लड़की को नहीं जानती हूँ। ये समझ लीजिए कि आप ही परछाई हो। ये लड़का बहुत नटखट है। मैं बाल गोपाल से प्रार्थना करूंगी कि तुम जिसे चाहो वो तुम्हें जरूर मिले। अब आपने कह दिया है तो मेरी चाहत जरूर पूरी होगी। माँ का कहा कभी झूठ नहीं होता है। माँ ने कुहू को प्रॉमिस किया था कि उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी कराएंगी। मैं तो कब की हार मान चुकी थी कि मेरी बेटी की किस्मत में तो प्यार है ही नहीं, लेकिन माँ ने हार बिल्कुल नहीं मानी। अरे अरे उठो बेटा उठो। तो फिर आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मम्मा मैं सोच रही थी कि इतने सारे फंक्शन शुरू होने वाले तो क्यों ना शॉपिंग की तैयारियां शुरू कर दी जाए। हाँ हाँ जाओ ना तुम दोनों। मिश्री तू भी जाएगी ना गुरु की हेल्प करने? हाँ हाँ आंटी मैं चली जाऊंगी। तो फिर समझो प्लान बन गया। It's a date, bro. मिस्टी अबीर कुणाल को साथ जाएंगे। शायद मेरे पास टाइम ना हो। तो टाइम निकालो ना बेटा। शायद जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो भी वही कहीं किसी दुकान में हो। तुम भी ढूंढ रहे हो? भाई और मिष्टी का रिश्ता, तुम चाहती हो कि मिष्टी की वजह से हम फिर से अलग हो जाएं। आई कैन अंडरस्टैंड वो तुम्हारी बहन है और तुम उससे प्यार करती हो, पर मेरे भाई के लिए वो सही नहीं है। तेरी फेवरेट है ना काजू किशमिश वाली? यू चॉकलेट को आइसक्रीम बना दिया, सीधे सीधे बोलो ना फ्रूट एंड नट। लो जी यहाँ तेरी सगाई होने वाली है और तुझे काजू किशमिश की पड़ी है। तू ना मुझे हैप्पी नहीं लग रही है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, इसीलिए चॉकलेट खा के मोटी नहीं होना चाहती। अगर आपको मेरी शादी में अच्छा दिखना है ना तो आप भी ये सब मत खाइए, ओके? देख, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये मीठा खा के कपड़ों में फिट ना होने वाली टेंशन नहीं है, बल्कि मिष्टी की तेरी लाइफ में फिट ना होने वाली टेंशन है। मिस चाची, अरे कुहू मेरी बात तो सुन। देख मैं जानती हूँ कि कुणाल और उसकी फैमिली अभी तो तेरे साथ बहुत अच्छे से है, लेकिन वो लोग ये नहीं भूलेंगे कि मिष्टी ने कुणाल को लात मार दी थी, और ये बात उन्हें हमेशा याद रहेगी कि तू मिष्टी के साथ पैकेज डील में आई है। और ये हैप्पी फैमिली कब तक हैप्पी रहेगी? मेरी माँ को इस सब के बारे में पता चल गया ना तो वो हमारा रिश्ता कभी नहीं होने देंगी। देखो मैं तो चाहती हूँ तू होशियार बन जाए, और मिष्टी की वजह से अगर तेरी लाइफ में प्रॉब्लम आए उससे पहले तू कुणाल और अपने बारे में सोच ले। सच कहूँ तो अब तू अकेली थोड़ी ना है।
और वैसे भी हमारे घर में ड्रामों की कमी थोड़ी ना है। अब वो मारवाड़ी समाज सत्संग में जाना है, वो चौहान फैमिली है ना, उनसे मिलने। जसमीत तू क्यों कुहू को परेशान कर रही है? ले कुहू जूस पी ले। अरे वर्षा भाभी, मैं कोई परेशान वरेशान नहीं कर रही हूँ कुहू को। अच्छा आप छोड़ो, ये बताओ कि क्या आपने कुछ सोचा है, क्या जवाब दोगे उन लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। आप एक काम करो ना, शौर्य भैया को कहो कि सीधा जाके उन लोगों को कह दे कि उनका रिश्ता इस घर में बिल्कुल नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? हर्षित, why not? माँ, अगर सौरव को मिष्टी से मिलवा दे तो? तू पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं। अरे वाह, बड़बोली ने पहली बार कुछ सही कहा है। अब एवे नाना करी जा रही हो, एक बार सोचो तो सही। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तू अब माँ, अगर सौरव मेरे लिए अच्छा हो सकता है तो मिष्टी के लिए बुरा कैसे हो सकता है? हाँ भाभी प्लीज, एक बार मिष्टी के बारे में सोचो। अब तुम दोनों कह रही हो तो मैं एक बार माँ से बात करके देखती हूँ। मिष्टी की लाइफ में कोई भी आए, बस अबीर नहीं आना चाहिए। श्योर डॉक्टर, मैं फॉलो अप के लिए अबीर को लेकर कल खुद आऊंगी। थैंक्स अ लॉट। अबीर, तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है ना? हाँ, मैं भी रेस्ट ही करना चाहता हूँ, जानबूझ के खुद को परेशान नहीं करना चाहता। मतलब कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है ना? और वो बात ये है कि मैं कुणाल के रिश्ते से खुश कैसे हूँ, है ना? मुझे विश्वास है अब खुश नहीं है। और तुम्हारा विश्वास बिल्कुल सही है। मैं अगर खुश हूँ तो अपने बेटों की खुशी में खुश हूँ। इतने बड़े तूफान से माँ अम्बे ने तुम्हारी रक्षा की। पर जरा सोचो अभी, अगर कुणाल कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि परिवार टूट जाए तो ये माँ भी टूट जाएगी। मैं जानती हूँ तुम्हें ये लगता है कि मैं कुणाल की जिंदगी में कुछ ज्यादा दखल अंदाजी कर रही हूँ, ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। पर अबीर ये बात तुम भी जानते हो बेटा कि कुणाल मेरे और तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं है। मेरे बाद अगर वो किसी पर आंख बंद करके विश्वास करता है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं जानता हूँ माँ, मैं उसके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा भी। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ हो ना, परेशान तो होंगी, पर बस अब कुणाल जैसे चाहता है शादी ठीक वैसे ही होगी, है ना? माँ, अब आप कुणाल की टेंशन मत लीजिए। मैं जानता हूँ कुणाल कुहू के साथ बहुत खुश रहेगा। पर एक बात मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ, मिष्टी के हमेशा आसपास होने से कुणाल खुश नहीं है। माँ, मैं कुणाल से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा जो मिष्टी ने किया वो गलत नहीं था। उसने सच कह के कोई गलत काम नहीं किया। इनफैक्ट उसने जो किया वो अच्छा हुआ क्योंकि उसे कुहू मिली। माँ प्लीज, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मिष्टी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अबीर, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, मैं साथ हूं तो अपने बेटों के, उनकी खुशी के साथ हूं, अपने परिवार के साथ हूं, परिवार की एकता के साथ हूं। तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी अबीर कि एक बार, सिर्फ एक बार तुम अपनी माँ पर विश्वास करके देखो। जी माँ। सब सुन लिया ना तुमने? मिष्टी का नाम आते ही भाई किसी की नहीं सुनते माँ, ना आपकी और ना मेरी। वो मिष्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी हो गया है कि हमारे प्लान में कुहू हमारी तरफ से काम करे। उसकी टेंशन आप मत लीजिए माँ, कुहू बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसा मैं उसे कहूंगा। होगा भाई जो हम चाहते हैं, भाई की लाइफ में मिष्टी फिर कभी नहीं आएगी। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।